हालांकि दोस्तों आपने ढेर सारी शादियां देखी होंगी, जिस तरीके से आमिर खान की बेटी की शादी हुई है उस तरीके की शादी आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आमिर खान की बेटी ने 3 जनवरी 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सेलिब्रिटी और फिटनेस ट्रेनर नूपुर के साथ शादी की है। खास बात इस शादी की ये है कि नूपुर जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है, उन्होंने शादी से ज्यादा अपनी फिटनेस को आगे रख के दिखाया है। जब वो शादी में पहुंचे तब वो अपने शॉर्ट और बनियान में थे। जी हां, इसमें एक और बात सरप्राइजिंग वाली ये जुड़ जाती है कि शादी में वो सिर्फ कच्चा बनियान पहन के नहीं पहुंचे, लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता तय किया उन्होंने अपने फिटनेस ऑफिस से लेकर, यानी इनका जो वेन्यू था ताज होटल का, वहां तक वॉक करते हुए जाते हैं। उनके साथ उनके 4 दोस्त भी नजर आते हैं, अपना सेलिब्रेशन भी लोगों के साथ शेयर करते हैं और वहां से वॉक करते हुए लोग और मीडिया के सारे लोग उनको फॉलो करते हुए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो शादी समारोह में जब पहुंचते हैं और वहां पर ये शादी बाद से भी चर्चा में है कि ये प्रॉपर रजिस्टर्ड शादी थी, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, जितनी जरूरत वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ईरा खान और नूपुर दोनों मिलकर इसमें साइन करते हैं और लोग फिर शादी का सेलिब्रेशन भी करते हैं। लेकिन अपने हाफ बनियान दिखाई दिए वो लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरा, जिस वजह से लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर दिया। कई लोगों ने तो ऐसा लिख दिया, हम करें तो गरीब हैं, ये करें तो क्लासिक है। साथ साथ में कई लोगों ने ये भी लिख दिया कि इन लोगों को तो सिर्फ वायरल होने में ही मजा आता है, कपड़े शादी इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक उनके लिए रास्ता है वायरल होने के लिए। जी हां दोस्तों, इस तरीके से ढेर सारे अनयूजुअल कमेंट उनको मिले और लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। सारे लोग शादी को एंजॉय करते हुए भी नजर आए। इसमें आमिर खान की दोनों पत्नियां जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है वो भी नजर आईं, सारी फैमिली एक साथ पोज देते हुए नजर आई। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय।